बाजी। जी महाराज। आप घर वापस आ जाएं। आपने घर की हालत तो देख ली और वो बहनी मैडम को आप जानती हैं कि वो कैसी हैं। साहब आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जब से आप गई हैं बीमार हो गई, आपकी वजह से बीमार हुए, आप वापस आ जाएंगी तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। चल आ जाऊंगी मिराज भाई। साहब कपड़ों की वजह से परेशान है, लॉन्ड्री का नंबर मांग रहे थे मुझसे, तो ख्याल रखिएगा। जी बाजी, वो बच्चे बहुत याद आ रहे हैं। जल्द आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा मिराज भाई। ये चाबी रख लीजिए, उनको ज़रूरत पड़ेगी गाड़ी की। मेरी गाड़ी अम्मी के यहाँ खड़ी है। तो बाजी आप कैसे जाएंगे? अम्मी ने गाड़ी भेज दी है। ये भेज दीजिएगा। जी जी। गेट खोल देना। जी। बेचारे घर में अकेले थे, पूछना गई तो दिल का दौरा पड़ गया। हमने एम्बुलेंस मंगवाई, हॉस्पिटल लेके गए, फिर उनके नौकर ने उनके बेगम को हॉस्पिटल बुलाया, वहाँ से उन्हें फिर घर लेके गई और हम इधर आ गए। तो रात के 10 बजे तुम उस बेचारे अकेले बाबे के पास गई क्यों? उसे दिल का दौरा डालने? क्या ये तो गुम है अपनी शोहरत मिलने के नशे में। पर प्रवेश तू तो से आना है, तो रात के इस पहर अपनी मंगेतर को इतनी मेहंदी लगवा के उस बाबे के घर लेके क्यों गया? दिल का दौरा तो पड़ना था ना। छाजो बाजी, वो उसके उस्ताद हैं और हम तो मंगनी का बुलावा देने गए थे ना उन्हें। तू डाली जा इसकी हर बात पे पड़ता। शाबाश बिल्कुल, तुम क्यों नहीं कुछ बोलती? तुम्हारी जुबान दिल्ली ले गई है क्या? वो बच तो जाएगा ना बेचारा। जी हालात ठीक हैं, वो इतना को बड़ा मस्ता नहीं हुआ है, वो उनको बस वो अटैक आया था। वो उसका क्या नाम था उसका? पैनिक अटैक। हाँ पैनिक अटैक। बेहतर है, वो हो जाएंगे सही कुछ दिन तक। खैर जो हुआ अल्लाह भला करे उसका। तुम लोग तो खैरियत से घर आ गए हो ना, अब हमने क्यों यहाँ कचहरी लगाई हुई है? बेटा जाओ तुम परवेज, और उसका तू भी जाकर आराम कर। सुबह बहुत काम है, हमें बड़ा मसरूफ दिन है कल हमारा। चलो चाचो हम भी जाकर आराम करते, कल इतने सारे काम करने हमने। अब जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो? सुना नहीं? मामा यहाँ क्या कर रही है इतनी लेट बैठी हुई? बेटा तुम्हारे इंतजार कर रही थी। तुम बताओ सब खैरियत? खैरियत है, खैरियत है। घर छोड़ के आ रही हूँ। घर क्यों छोड़ आई बेटा? वो बीमार था तो घर पर रुकती। बीमार ठीक हो गया? हुआ क्या था? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सब कुछ नॉर्मल था, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट सब नॉर्मल। फिर मामा को याद है जब अहमद जरियाब ने मेरे लिए प्रपोजल भेजा था और आपने रिजेक्ट कर दिया था, क्या हुआ था? अच्छी तरह याद है मुझे। मौसूफ ने नींद की गोलियां खा ली थी, मरने लगे थे, फिर मैदा वॉश करवाया, तुमने भूख हड़ताल कर दी थी, फिर मजबूर होकर मैंने तुम्हारी शादी कर दी। वो खुदकुशी ड्रामा थी क्या? शादी के बाद अहमद दरियाब ने मुझे खुद बताया, अपने किसी डॉक्टर दोस्त के साथ मिलके एक प्राइवेट क्लिनिक के कमरे में सीनियर से छुप के
वो सारा ड्रामा खेला गया। ना उसने कुछ खाया, ना मैदा वॉश हुआ। अरे ना, इतना बड़ा ड्रामा। पता है मामा, उस वक्त मुझे ना वो खुदकुशी बुरी लगी, फिर ना मुझे वो झूठ बुरा लगा। समझी कि ये बस मोहब्बत की इंतहा है। फिर मामा, ये ब्लैकमेल थी। तो अब ये ड्रामा किसके लिए है? तुमको वापस बुलाने के लिए? पेनी, हुस्ना, चारा, कौन हो सकता है? अहमद जरियाब ने किसी और की जिंदगी खराब करने का इरादा कर लिया। बेटा, फिर तो तुम्हारी अखलाकी जिम्मेदारी बनती थी कि तुम वहां रहो और जिसके साथ बुरा होने वाला है उसको बचाओ। मैं अहमद जरियाब बहुत आगे निकल गया है। मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर सकती हूँ। और सरना ही खैर करेगा। यकीन नहीं आ रहा। बच तो जाएंगे ना? अदीला साहिबा खुद डॉक्टर है। अगर वो खुद घर छोड़कर गई है, इसका मतलब ये है कि उनके बचने के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं। अल्लाह करे। तो इस सब के बाद वो कनाडा वाले मुशायरे में तो नहीं जाएंगे? ने मुझे तलाक का पहला नोटिस भिजवा दी। आप लोगों के पास थोड़े से पैसे होंगे क्या? अरे यार, ये सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड सा नहीं हो गया? ये सारे वाकयात अचानक से एक साथ कैसे रोनुमा हो रहे हैं? उस दिन तो आपके पास बहुत सारे पैसे थे, कहाँ गए? पानी उग। यूं कहिए कि प्यास बुझा ली। पानी दा बुलबुला, सब पानी दा बुलबुला। ओ ओ ओ पानी दा बुलबुला, हे 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 पानी दा बुलबुला। चार दिना दी दुनिया है, कुछ खा ले पी ले मौजूड़ा, कुछ खा ले पी ले मौजूड़ा। हे 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 पानी दा बुलबुला, सब पानी दा बुलबुला। सर, तंदूरी चाय लाऊं या स्पेशल? बुर्जी के राने हैं या चरखा जो तंदूरी होगा? जाके सीधा सीधा एक चैनक ले आओ दो नंबर। अब आगे साहब, एक बात तो बताएं। ये जो अहमद जरियाब को मर्ज लाहक हुआ है, ये है क्या? मर्ज कहाँ है, इश्क है इश्क। और इसका लाजमी नतीजा है मर के मफाजात। आफाकी साहब, कसम से बहुत ही बेशरम इंसान है आप यार, बहुत ही बेशरम इंसान। वाह, मैं तो आपके सवाल का जवाब दिया है, अब क्या घूंघट निकाल कर आपके सवाल का जवाब देता?
सच तो यही है, अहमद जरियाब जो सारी जिंदगी औरतों और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता रहा, उनके दिलों से खेलता रहा, आज कोई उसके दिल से खेल गया, और खेल भी ऐसा खेला कि अहमद जरियाब चारों खाने चित पड़ा है। इस ड्रामे में पहली मौत जो लिखी है अहमद जरियाब की है, लिखवा लीजिए। और दूसरी दूध क्या है, दवा क्यों नहीं लेते हैं? टाइम चाय पिए सही होगा। अरे चाय, जाने मैंने कुछ गलत वक्त पे तो फोन नहीं कर लिया। देखो तो कैसे गुलाबी डोरे हैं तुम्हारी आंखों में। अभी जा गया? आप ठीक हैं? अगर सांसों के आने जाने और अदीला जैसे संदिग्ध डॉक्टरों के बनाए हुए टेस्टों के पैमाने से देखा जाए लेकिन सच ये है हुस्ना के तुम्हारी मगनी की खबर सुनकर टूट गया हूं मैं। वो मैं आपको बताने ही वाली थी। खुद बता देते। खैर तकलीफ तो तब भी उतनी होती लेकिन यूं शहरयार के साथ मिलकर मेरे दर्द का मजाक उड़ाना, शायद ये सब भी सह जाता। मगर वो शख्स, वो परवेज नामी शख्स जिसे तुम अपना मंगेतर कह रही हो उसना, अगर वो शख्स कहीं से भी मेरे जूते के भी बराबर होता तो मुझे सबर आ जाता। शादी तो आपने भी की है जरियाब साहब, अदीला मैडम से। वो तो तुमसे मिलने से पहले था ना। बात कौन है? कल शाम जब तुम अपने हसीन हाथों में जिनको छूके मुझे लगा था कि मुझे मेरी मंजिल मिल गई, उन हसीन हाथों में उस बेहकीकत शख्स के नाम की मेहंदी लगाकर आई तो हुस्ना दिल ने धड़कना छोड़ दिया था। ऐसे ना कहिए सरयाब साहब, ऐसे मत कहिए। पर जब वो कमल की कलियों जैसे इन हाथों को थामे अपने मैले भद्दे हाथों में और अपनी अंगूठी इस उंगली में पहनाएगा जिसकी रख सीधी तुम्हारे दिल तक जाती हो तो हुस्ना क्या तुम्हारा दिल कुछ नहीं कहेगा? तुम्हारा दिल इतना शोर मचाएगा, हुस्ना इतना कहर डाएगा कि तुम सब छोड़कर मेरे पास लौट आओगी। हुस्ना ये जो दिल होता है ना जिद्दी होता है, इतना जिद्दी कि तुम सोच भी नहीं सकती। सब्र होना हुस्ना, मोहब्बत के सफर में अकेले चलते चलते थक गया हूं मैं। तुम्हारा मुंतजर रहूंगा और मैं जानता हूं तुम आओगी, जरूर आओगी।
खुदाफिज़ सिस्टर, दोबारा मिलने के लिए खुदाफिज़। इश्क सच्चा हो तो फिर वादा निभाना होगा, हुस्न तुझको आना होगा, उसका Excuse me, sir. Sir, मेरे पास फ्लावर्स हैं, सिर्फ 300 रुपए का बैंक है सर, एक बार देखे तो सही सर, नरगिस के फ्लावर्स हैं सर, डैफोडिल्स सर, ये वही नरगिस है, बाल वाली नरगिस, दीद अबर वाली नरगिस, हज़ारों साल अपनी बेनीरी पर रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अबर पर, सर ये वो नरगिस है। तुम ही शायर हैं, हैं एक बार देखिए, इसमें ही चाहिए भाई, बस प्लीज एक बार देखे तो सही। शुक्रिया ओके बॉस, कहिए, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। अच्छा बात सुन। जी बॉस। सर आपके लिए मैं फ्रेश पीस करता हूँ, सिर्फ 300 रुपये में सर, ये लीजिए सर। लिटिल मोर सर, आपको बताएं कि ये है बस वही है, नरगिस इंतज़ार का फूल है, जब कोई अपने चाहने वाले को देता है उसका मतलब होता है कि मेरा हमेशा इंतज़ार करना है। अच्छा लगता है शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, इट्स ओके बॉस, आई एम लिविंग नाउ, थैंक यू सर, हैव अ गुड डे सर। सिगरेट दीजिए, तो शरे नया दे दीजिए, ये तो आपकी तरह खाली हो चुका है बिल्कुल। बंदा गरीब ना हो, अगर ये फ्लैट आपका नहीं होता ना तो इतनी अकड़ ना दिखा रहे होते, चाय भी आप लेकर आते और सिगरेट भी जला कर देते। हो जाऊंगा मैं भी अमीर, जो काम शुरू किया उसकी बरकत से। कौन सा काम? तैनी साहब आधी हो चुकी है। वाकई आपको कैसे पता चला? अच्छा आपको नहीं पता आला हजरत आफाकी साहब, आपको नहीं पता? हाँ हमें कैसे पता चलेगा भाई? मैं बताता हूँ आपको, पैसा तो उनके पास बहुत था, शौहर से झगड़ा हुआ लेकिन पैसे बराबर मिलते रहे, फिर किसी ने उन्हें नशे पे लगा दिया और पैसे अटके रहे। जब पैसे बहुत ज्यादा हो गए ना तो उनके शौहर ने उनका कार्ड ब्लॉक कर दिया और रौबत तलाक तक पहुंच गई। ये तो हद हो गई। कितने अरसे से चल रहा था ये सिलसिला? कुछ अरसे से, और इसी जहनी कैफियत में जब वो अहमद जरियाब से मिली तो सोने पे सुहागा, घर बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो। आपको किसने बताया? आंख रखता हूँ, देख रहा हूँ कब से उनके अंदाज, और आज तो उनकी शक्ल से आया था। अब देखिए
अहमद जरियाब साहब की तबीयत खराब थी, लेकिन अदीला साहिबा उनके पास नहीं आई और हुस्ना साहिबा की तो आज शाम को मंगनी है। जहरा का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ले दे के कौन बचता है? बहनी साहिबा, वही अहमद जरियाब की जिंदगी की डोलती कश्ती को पार लगा सकती। बकौल आपके, वो तो खुद टुनटुनाटुन है, डुबो देंगी अहमद जरियाब की किश्ती को। फाकी साहब, अगर इन दोनों की शादी हो जाए पैनी साहिबा की तलाक के बाद, तो मुझे लगता है पैनी साहिबा जरियाब साहब को नकेल डाल सकती है। आप बन जाइए ना रिश्ता.com वाली आंटी, कर डालिए ये काम। पैनी साहिबा के शौहर बहुत अमीर आदमी थे, अहमद जरियाब तो खुद अदीला साहिबा के मोहताज हैं, हैं कि नहीं? हाँ। पियेंगे कुछ? जहर पीना है आपके पास? अरे आप पीने का वादा करें वो भी हाजिर कर देता हूँ। लानत भेजिए, हम सुकरात नहीं है। आज शाम को तुमने ये पहनना है। मुझे पूरा यकीन है वो एक नंबर की चलाक लड़की है, सब मशहूर लोगों को बुलाया होगा, और जहाँ आ रहा मेरी बात सुनो, एक एक के साथ तुमने सेल्फी लेनी है। कल को कोई मर गया तो ये बड़े काम आएंगी तस्वीरें। मामा, हाँ? मामा मैं जरियाब, या अल्लाह ये क्या हो गया? मर गए? मुझे पता था तुम्हारी किताब की नहुसत उनको ले बैठेगी। बेटी माँ के ही नसीब के साथ पैदा होती है ना, मैं कुछ कर पाई ना तुम कर पाओगी, हम दोनों लूजर्स हैं। अरे मामा मरे नहीं हैं, ये ग्रुप में खबर लगी है कि बीमार हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं। बच गए? हाँ। इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी ना मैं, करवा लो शाया अपना दीवान। अब बीमार हैं, 6 महीने के बाद जब वो बिस्तर से उठेंगे तो वो असर नहीं रहेगा ना उनका। वैसे भी दुनिया के लिए बीमार शायर तो मरे हुआ शायर है ना। मामा कैसी बातें कर रही हैं आप, इतनी जालिमाना बातें करने लगी हैं आप। वो अभी जिंदा हैं और मेरी किताब अहम है उनकी जिंदगी से ज्यादा। क्या मैं क्या हो गया जहांआरा, तुम कहीं सचमुच शायर तो नहीं बन गई? ऐसी बातें तो असल शायराएं करती हैं। मामा हुस्ना मुझे बुला रही है, उसको पार्लर जाना है और गाड़ी और ड्राइवर की जरूरत है, मैं चली जाऊँ? जाने की लौट तो गई हो, अब क्यों पूछ रही हो? जाओ ये कपड़े लेकर जाना, वहीं पे तैयार होना, दुल्हन के साथ एक लड़की फ्री। मामा कैसी बातें कर रही हैं आप, क्या हो गया है आपको? बीमार वो हैं और बहकी बहकी बातें आप कर रही हैं। कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है, शुक्रिया। आफाकी और शहरयार आए थे, आपसे मिलना चाह रहे थे, मगर आप आराम कर रहे थे, मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा। मैं उन लोगों से मिलना भी नहीं चाहता। अब ऐसा भी नहीं है, मिलना तो पड़ेगा ना, हम चाह रही तो है। मैं उकता गया इन सब से, और मुझसे तुमने उस शकीउल कल्ब औरत की हरकत देखी, दरवाजे पे छोड़ दी मुझे। तो आपके पास मैं हूं ना? जाना था वीजे के लिए, मुझे नहीं लगता कि अगले साल तक कहीं मैं जा पाऊंगा। तो कोई बात नहीं है, आपकी तबीयत ठीक हो जाए अगले साल चले जाएंगे। यानी अगला साल किसने देखा है,
ये तो शुक्र करो कि मैं बचकर वापस आ गया, वरना वहीं से आगे चला जाता मंजिल आखिर पे। इतनी मायूसी। खैर छोड़ इन बातों को। जुल्फकार ने राबिता किया। पहली तलाक भिजवा दिया उसने। बाकी क्या इरादा है? मुझे लगता है कि कोई नौकरी कर लेनी चाहिए, या खैर में किसी स्कूल वगैरह में। शायद पैसे इतने ना हो, मगर कुछ ना होने से तो बेहतर है ना। क्या मैं और स्कूल में मुलाजमत, एक मामूली सी जॉब। बहनी, पैसा जिंदगी की तल्ख हकीकत है। आज तक तुम जुल्फकार के पैसे खर्च करती रही हो, अब अपना पैसा कमाना सीखो। आखिर आजादी की कीमत भी तो देना पड़ती है। यहां पेंटिंग लटकी हुई थी, वो कहां गई? पता नहीं, मैंने तो कोई पेंटिंग नहीं देखी है। राज जी। आया साहब। जी साहब। यहाँ पेंटिंग लटकी हुई थी, वो कहाँ गई? साहब लटकी तो हुई थी, अदीला बीबी के अब्बू के जमाने की थी। बीबी जी बताया करती थी कि वो अपने घर से यहाँ लेकर आई। अरे मैंने ये तुमसे पूछा है कि किसके जमाने की कहाँ थी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ यहाँ पेंटिंग लटकी हुई थी वो कहाँ गई? साहब मुझे क्या पता, मैं क्या बताऊं? ये क्या हो रहा है इस घर में? मतलब जिसकी जो मर्जी आएगी उठा के ले जाएगा? किधर की पेंटिंग, कहां है? ढूंढो। अब मैं देखता हूं, कोशिश करता हूं। कोशिश नहीं करो, मुझे आज ही ढूंढ कर बताओ किधर गई वो पेंटिंग। जी अच्छा। हो सकता है वो पेंटिंग अदीला ने मंगवा ली हो और ये झूठ बोल रहा। मुमकिन है। उसना की मंगनी है आज, आप चलेंगे? ये सहारे मत लेना, बिल्कुल बकरे के कान रहते। वो हमारे मोहल्ले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो। अरे हुस्ना क्या हुआ? दिल खराब हो रहा था। कोई बात नहीं, तुम दोनों मिलकर रो लो। उठता है बेटा। क्या हुआ? चारा वो मेरे लिए बीमार है, सच्ची मोहब्बत करते हैं मुझसे। कौन? अहमद जरिया। मोहब्बत करते हैं मुझसे, कुछ भी कर सकते हैं मेरे लिए। मेरी मंगनी का सुनकर बेहोश हो गए, हार्ट अटैक आ गया उनको। अदीला मैडम कह रही थी कि कोई पैनिक अटैक है, मगर जो कुछ भी है मेरे लिए मरते हैं वो मुझ पे। मुस्लिम अब कुछ नहीं हो सकता, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं क्या करूं जा रहा, क्या करूं मैं? खुद को संभालो हुस्ना, तुम्हारे अम्मी अब्बू परवेज मिलने वाले हैं और इतने सारे लोग जो तुमने बुला रखे हैं, क्या सोचेंगे वो? अब कुछ नहीं हो सकता। और ये जिंदगी तुम्हें ऐसी जीनी होगी। हाँ।
अहमद सरियाब साहब जब मर जाएंगे तो इस सामान का इस घर का क्या हुआ, कुछ सोचा आपने? ये घर उनकी बेगम साहिबा का है, सामान भी उन्हीं का होगा, आपको किस बात की फिक्र सता रही है? कुर्बान जाएं आपकी सादगी पे, जानती हैं आप हमारी फिक्र मंदी से ही तो आपका और हमारा कारोबार चलेगा। मैं मजीद अब आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, वो मुसलसल घर पर है और उनकी बीमारी के बायस उनकी बेगम साहिबा भी जल्द लौट आएंगी। जिस वजह से वो बीमार हुए हैं, अगर उसको मद्देनजर रखा जाए तो उनकी बेगम साहिबा वापस नहीं आएंगी। ये क्या है, खुतूत गालिब तो हो नहीं सकते, किसी अंग्रेज के खुतूत लग रहे हैं मरे हुए अपनी महबूबा के नाम। तलाक नामा है मेरा, तलाक का पहला नोटिस। तो गोया आजादी का परवाना कहिए, इसे हासिल करने के लिए तो आपने बड़ी मेहनत की है, साल साल रात देर तक घर से बाहर रही हैं, हम जैसे लुच्चे लफंगों के साथ उठी बैठी हैं, चोर से बदजुबानी की है, अहमद जरियाब से दोस्ती काटी है, यूं कहिए कि काफी पापड़ बेले हैं आपने इसे हासिल करने के लिए, तो आप दुखी क्यों हैं? कह लीजिए आप आकी साहब, सिर्फ आप ही नहीं पूरी दुनिया यही कहेगी, बल्कि यही कहती है, एक ताल्लुक खासकर शादी का ताल्लुक जब टूटता है उसमें औरत का किरदार ना उछाला जाए ऐसा मुमकिन ही नहीं, सच्चाई जानने में तो किसी को दिलचस्पी ही नहीं होती। कोई शख्स मुसलसल अजियत की जिंदगी गुजार रहा हो हमें कोई गर्ज नहीं, आजादी के बाद ये ताने क्यों? अरे भाई आपने तो खासा भाषण दे दिया, हम तो मजाक कर रहे थे। खासा सिक सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। तो आप ही बता दीजिए सच्चाई क्या है। बताऊंगी, सब बताऊंगी, अगर अभी नहीं वक्त आने। चलिए फिर हम इंतजार कर लेते हैं वक्त आने का। और ये दूसरा पर्चा क्या है? ईमेल है मुशायरे की, इसमें मेरा नाम भी है, लेकिन लेकिन क्या? अहमद जरियाब नहीं जा रहे और इसका मतलब है कि कोई भी नहीं जा। तो गोया ये पत्ता भी साफ हुआ। चले जी, वो बिल देना था। आना भाई। बस 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 आरोप दो भाई, पैसे नहीं है मेरे पास, प्रिंटिंग वाला तो कल देगा। पैसे पैसे तो नहीं है मेरे पास, सारे तो मैंने शहरयार को दे दिए थे। अब ये बंदा खालू तो है नहीं मेरा जो उधार में देगा। चले पैसे नहीं, कोई और चीज, कोई बाली, कोई अंगूठी, कोई बुंदा, कुछ तो होगा। और कुछ नहीं है मेरे पास। ये है ना, ये दे दीजिए, अभी दे देते, बाकी अगली दवाओं में कटता रहेगा। इसकी कोई कीमत नहीं है, इससे कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा फिर बटवे में देखिए, कोई भी कुछ भी, नग जड़ा बुंदा, कोई लॉक टूटी चेन, कुछ भी चलेगा।
देखा मैंने कहा था ना, औरतों के बटवे मुर्गैयार की जंबील होते हैं, उनमें हाथ डालो तो नौला का हार भी बरामद हो सकता है। जंबील में अब कुछ बाकी नहीं। हाँ सही, आ जाएगा। मैं माल लेके आता हूँ।